Yo, what is going on guys? Welcome back to the channel to a brand new video. And यार आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं शेरविन रॉजर्स T4 की टेस्टिंग. तो यस, हमने कर लिया है शेरविन रॉजर्स को T4 एंड वी विल टेक हर इनटू वेरियस गेम कंटेंट. और हम देखेंगे कि शेरविन रॉजर्स कितना तगड़ा परफॉर्मेंस दे पा रही है विद हर टीयर 4 कंपेयर टू हर टीयर 3. वेल एक्चुअली शेरविन रॉजर्स को क्या आपको टीयर 4 करना चाहिए, इज शी वर्थ द टीयर 4 और नॉट, तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे. वी हैव द फ्रिकिंग रैंक 19 शेरविन रॉजर्स. सो दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेरविन रॉजर्स दैट यू कैन फाइंड आउट देयर. सो चले चलते सबसे पहले स्टैट्स देख लेते. तो 100,000 से ज्यादा एनर्जी अटैक है. ऑब्वियसली दिस इज विद निक फ्यूरीज लीड एंड व्हाइट फॉक्स सपोर्ट, जिसे 10% वगैरह मिल जाता है. सो अगर हम बिना लीड और सपोर्ट के भी देखते हैं तो शी इज रॉकिंग 81,000 एनर्जी अटैक, विच इज क्वाइट अलॉट टू बी ऑनेस्ट इवन विथ लीड. तो बहुत ही जबरदस्त बिल्ड है. ऑब्वियसली ऑल द स्टैट्स दैट वी नीड आर कैप्ड आउट, ओवर कैप्ड है, मूवमेंट स्पीड तक कैप्ड है. सो दिस इज अ रियली रियली स्ट्रॉन्ग शेरविन रॉजर्स. गियर्स की बात करें तो 20 ओडिन ब्लेसिंग्स, all of them with kitted with Odin blessings and skills all obviously maxed out. Striker mein use kar rahe hain Moon Knight ko because I believe Moon Knight is one of the best for her. Uske alawa typing mein max obviously Power of Angry Hulk, 6 star Electra card effect, but this is because only of the justice increase or increased damage dealt with enemies to leadership ability and all. So will not get into it. Brilliant CTP of energy at 10% extra pierce mil raha hai isko isse. और 240 का proc मिल रहा है rather than a 200 proc with a CTP of energy. Uniform is obviously at mythic and I believe सारे uniform options जो इसके requirement में है वो भी mythic है, because obviously we need the best Sharon Rogers. So yes, she is really really strong. और हम देखेंगे कि कैसा perform करती है. And should you tier 4 this baby girl, obviously baby doll. So yeah, with that चले चलते हैं कुछ content में and let's test her out in वर्ल्ड बॉस लेजेंड. तो ऐसे लेके चलते हैं शेरविन रॉजर्स को स्टेज 34 पर. बिकॉज ऑफ द टाइपिंग एंड ऑल हम इसे 34 पर ही लेके जा सकते हैं, हमारा उसके ऊपर का अनलॉक नहीं है. फॉर दैट रीजन विल टेक हर एट 34 रीरी विलियम्स का लीड एंड साइक्लॉप्स फॉर अ बिट सपोर्ट और साथ में शेरविन रॉजर्स फॉर द डैमेज. लेट्स सी कितना कर पाती है शेरविन रॉजर्स. बेसिकली हमें जितना ज्यादा डैमेज हो सके उतना ज्यादा डैमेज खाना है फ्रॉम द बॉस इन ऑर्डर टू डील द मोस्ट डैमेज. एंड हमारा प्रॉग काफी जल्दी एक्टिवेट हो गया जो मुझे नहीं चाहिए था, बट स्टिल ओके, विल सी व्हाट वी कैन डू हियर. ओके, हमने यहाँ पे TFO स्किल नहीं यूज किया है एंड बूम, ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड स्टेज 34 विद दिस स्ट्रॉन्ग बिल्ड शुड एटलीस्ट डिलीवर दिस मच, राइट? सो बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस है. ऑलराइट, और थोड़ा TFO यूज करके भी हम देखेंगे अब. ऑलराइट, वी गॉट द proc एंड ऑल एंड नेक्स्ट फेज आ गया. Let's go. We are stacking that all attack जो कि इसके tier 4 से इसे मिलता है और obviously काफी तगड़ा healing भी मिलता है tier 4 से. So that also comes in handy. Okay. Boom. बिल्कुल ही मक्खन. Tier 4 बहुत बहुत overpowered है शेरविन रॉजर्स का, बहुत ही ज्यादा overpowered है. I mean not the tier 4 in the sense की tier 4 skill actual में, because tier 4 skill actual में बेकार है. The thing that she gets is from her, what you call it? भाई क्लिंटर केज में फंस गए हम, बिकॉज हम हमारे इनविंसिबल नहीं यूज कर पाए थे. अगर हम कर लिए होते तो बेटर रहता, बट स्टिल रिगार्डलेस ऑफ दैट ओके नॉट द बेस्ट शोकेस, बट स्टिल अगर हम क्लिंटर केज में नहीं फंसते हम इनविंसिबल एक्टिवेट कर लिए होते, सो शी कुड हैव डन इट फास्टर. बट रिगार्डलेस ऑफ दैट आई एम लविंग हर एट टीयर 4. ओके, सो लेके चलते अब गौर पे. नो, मेफिस्टो पे लेके चलते हैं. मेफिस्टो पे हाइएस्ट शी कैन गो राइट नाउ हियर इज स्टेज 49. सो सेम टीम के साथ हम लेके जाएंगे शेरविन को एंड विल सी वॉट वी कैन डू. दिस वॉज द टीम. और स्ट्राइकर हम ले जाएंगे कोई भी रैंडम जो अवेलेबल हो. ओके, दीज आर अवेलेबल, तो लेट्स टेक दैम और देखते हैं कैसा कर पाती है स्टेज 49 ऑफ मेफिस्टो. मेफिस्टो पे ज्यादा अच्छे से एक्यूमुलेट कर पाते हैं हम, तो ये एक अच्छा चीज है. ओके, तो यहाँ पे हम उसका एक्टिवेट कर लेंगे, वट यू कॉल इट, बीट डाउन. सी टी पी ऑफ एनर्जी है ब्रिलियंट, तो उस पर ऑब्वियसली बीट डाउन रहता है स्टैक, तो वी विल एक्टिवेट दैट बीट डाउन. और यहाँ पर हम बीट डाउन चार्ज कर रहे थे एंड लेट्स डील सम नॉर्मल डैमेज एंड उसी के साथ नेक्स्ट फेज आ गया मेफिस्टो का, विच इज रियली गुड. अभी यहाँ पर हम थोड़ा TFO यूज कर सकते हैं. सो ओके, ऑलराइट, वी गॉट स्टन. वाओ, नॉट समथिंग दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट ठीक है. रिगार्डलेस ऑफ दैट बूम, नाइस रोटेशन मिस किया मैंने, साथ में हम फंस गए एंड ऑल दो शेनानिगन्स, बट स्टिल शी वाज एबल टू डू इट.
सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. यहाँ पे शायद हमने एक्युमुलेट नहीं किया कुछ भी. सो ओके ऑलराइट पॉप ऑफ. ओके आई थिंक आई मिस द प्रॉग देयर. तो इनकंसिस्टेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है शेरन रॉजर्स का विद दिस यूनिफॉर्म, नॉट गोना लाई, बट फॉर द मोस्ट पार्ट इट इज रियली गुड. ओके आई थिंक ये नेक्स्ट फेज में जाएगा इसके लिए, या फॉर दैट रीजन ये फंस गया, बट ठीक है, विल स्टिल डू इट एंड आई थिंक शी शुड बी एबल टू डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. या तो जिस टाइम पे हमने नल को किया उसी टाइम पे ऑलमोस्ट मेफिस्टो को भी किया है. सो अब चलेंगे गौर पर एंड विल सी गौर के अगेंस्ट कैसा कर पाती है शेरन रॉजर्स विद हर टियर 4. ऑब्वियसली द नेक्स्ट लेवल कॉन्टेंट इज द वन दैट वी आर ट्राइंग टू एम फॉर. सो यहाँ पर आई थिंक 23 इज द हाइएस्ट वी कैन टेक हर. सो यहाँ पर लेके जाते हैं और देखते हैं शेरन रॉजर्स कैसा कर पाती है. यू नो वॉट, लेट्स टेक द स्ट्राइकर्स एंड लेट्स सी. हो शेरन रॉजर्स टियर 4. ओके इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ब्रॉक इसका अनइवनली एक्टिवेट हो जाता है समटाइम्स बिकॉज ऑफ द इनविंसिबल एंड ऑल दो स्टफ. ओके सो एज यू कैन सी यहां पर भी थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ बट स्टिल वी गॉट द ब्रॉक. सो दैट वॉज रियली नाइस एंड इन वन रोटेशन दिस इज समथिंग दैट शी कैन इवन डू एट लेवल 80. सो यू डोंट नीड टू हैव अ टियर 4 इन ऑर्डर टू डू दिस डैमेज बट दिस इज स्टेज 23 राइट. स्टेज 9 के बाद हमें पता है गौर वगैरह पे स्ट्रगल करने लगते हैं कैरेक्टर्स अनलेस दे हैव देयर टियर 4 राइट. So this is something everyone knows. Okay, I don't know why I wasn't able to pop my fourth skill even because maybe I did the क्या नाम है यहाँ पे मैं accumulate करने की कोशिश किया. Wow, and she did accumulate it. Wow, और health भी पूरा recover कर लिया इसने. So जो नीचे से jump करता उस पर मैंने accumulate करने की कोशिश की and we were able to do that. So that is really nice. Loving it. Okay. Technically I should switch characters here अगर मैं थोड़ा सा ideally condition की बात कर रहा हूँ तो. बिकॉज जैसे ही ये अपना वाव रिरी विलियम्स इज रियली फास्ट. अब यहां पर हम सिंपली स्विच कर सकते हैं एंड वी विल बी सेफ. ओके एंड आई बिलीव दिस शुड बी गेम ओवर. ओके या दिस शुड बी गेम ओवर. वाव गोअर स्टेज 23 अंडर अ मिनट लविंग इट वेरी नाइस. एंड आई बिलीव ये जो डैमेज था ना उस हिसाब से ये काफी हायर स्टेज भी कर सकती है. यहां पर अनलॉक नहीं है. That is the reason why we weren't able to showcase it. But let's take her to Jean Grey. और Jean Grey का highest stage हम ले जा सकते हैं वो stage 11. Okay. So this is something like that कि stage what do you call it? 9 के बाद थोड़ा choke करने लगते characters. So unless they have their tier 4. So that is the reason why we are doing this and we'll see. Okay. द रियल क्वेश्चन जो मुझे पूछना चाहिए कि डू यू रियली नीड टियर 4 शेरन रॉजर्स. आई डोंट थिंक सो बट इट्स गुड टू हैव राइट समथिंग गुड टू हैव अनलेस यू लाइक प्लेइंग अ शेरन रॉजर्स यू कैन डेफिनेटली डू हर. एंड दैट वॉज समथिंग क्रेजी राइट. स्टेज 11 ओ माई गॉड. ओके we are accumulating some even though hamara proc late activate hua but still because she accumulated so much she was able to take her to her next phase only because of her accumulation not even on the proc. so yahan par ab hum thoda sa use karenge rotation wagera and I think I got the proc. yeah boom 27 seconds stage 11 Sharon Jean Grey. wow right really wow oh my god. So yeah, Sharon Rogers at T4 is a banger. But the real question जो मुझे पूछना चाहिए कि do you really need Sharon Rogers TF4? Well, अगर हम usability tag वगैरह के बारे में बात करें तो ABX में she can do really good. ABL में not so much. Unless उस पर rage हो, right? CTP of energy के साथ not good with in ABL. फिर अगर हम World Boss Legend की बात करें तो she can do any stage you want to do. शेरन रॉजर्स का डैमेज इतना ज्यादा है कि शी कैन इवन डू स्टेज 150 और इवन स्टेज 200 इफ देर इज बट देर इज नॉट राइट. और बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑन डिफरेंट स्टेजेस लाइक 84 जैसे नल का 84 ही हाईएस्ट कर सकती है शेरन. शी कैन नॉट डू 99 क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट दूसरा है कैरेक्टर का. सो फॉर दोज रीजंस आई डोंट थिंक यू शुड डू टियर 4 शेरन रॉजर्स बट इफ यू रियली लाइक प्लेइंग अ शेरन रॉजर्स देन यू कैन डेफिनेटली गेट दिस बार्बी डॉल and she will deal crazy damage for you. So yeah, with that I believe this is totally a choice based
कॉन्वर्सेशन दैट डू यू वॉन्ट चैनल एज अ टियर 4 और नॉट. अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन डू एनीथिंग ऑन योर अकाउंट, बट आई विल से यू डोंट रियली नीड इट फॉर हर फॉर एनी कॉन्टेंट, बट शी इज क्रेजी क्रेजी स्ट्रॉन्ग विथ टीयर 4, स्पेशली बिकॉज टीयर 4 से इसे जबरदस्त हीलिंग मिलता है, तो सर्वाइवेबिलिटी की तो बात ही नहीं आती है. राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो शेरन डॉज़ का रिकवर्स 15% एचपी और 10% बेसिक ऑल अटैक इंक्रीज होता है, जो कि 4 बार आप स्टैक कर सकते हो जब आप स्किल्स यूज करते हो. तो बेसिकली उतना खास टीयर 4 स्किल नहीं, बट टीयर 4 से जो स्टैट बूस्ट मिलता है वो बहुत ही हाई है. एंड अलॉन्ग विद दैट हीलिंग जो उसको चाहिए थी, जो कि उसके 5th स्किल पे उसे दे दिया गया है, आई बिलीव 4th स्किल है, राइट? ओके, या रिकवर 35% एचपी 5th स्किल पे दे दिया गया है, जो कि 10% था पहले, और साथ में टीयर 4 के साथ 15%. सो शी हैज मोर देन अनफ फील टू सर्वाइव एनी वर्ल्ड बॉस लेजेंड कॉन्टेंट, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड शी रियली पॉप्स ऑफ. सो या विद दैट आई बिलीव वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन. शेरन रॉजर्स एट टीयर 4 इज वन ऑफ द बेस्ट दैट यू कैन हैव. Should you do it? It's totally a choice-based question. So yeah, with that, इस वीडियो को एंड करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, बाय.